हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप फड़िया। टीआरपी आती है ना जाने कितने शो की, गुड न्यूज़ आ जाती है और ना जाने कितने शो को निराश कर जाती है। देखिए, ये टीआरपी है, कुछ भी कर सकती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ अगर आपके स्टोरी में दम है तो ऑडियंस आपके पास खुद खिंची भी आ जाएगी। फिर चाहे वो 40 साल की अम्मा शो में हो या फिर एक छोटी बच्ची ही क्यों ना हो। ऐसे में जो है, पहले छोटे बच्चे या सोतनों वाले ट्रैक ज़्यादा पसंद आते थे, लेकिन आजकल मैंने कहा चाहे 40 साल की अम्मा, एज एग्जांपल अनुपमा, तो ऐसी कहानियाँ बहुत कम देखने को मिलती है। तो ऐसे में जो है, मेरी राय यही है कि जो है अच्छी कहानियाँ लानी चाहिए, लेकिन जो प्राइम टाइम पर हैं शो, वो अच्छी टीआरपी नहीं दे रहे हैं। लेट टाइमिंग वाले अच्छी टीआरपी दे रहे हैं, तो ऐसे में चैनल को फैसला लेना चाहिए कि जो प्राइम टाइम पे टीआरपी अच्छी नहीं दे रहे हैं उनके स्लॉट चेंज कर देनी चाहिए, और जो लेट टाइमिंग पे हैं तो उन्हें थोड़ी अच्छी स्लॉट देनी चाहिए, मे बी वो उनका फ्यूचर चमका दें। ऐसे बहुत से शो हैं, लेकिन कहते हैं ना कि भैया चैनल पता ही नहीं कब करेगा, जनता तो बहुत पहले बोलना शुरू कर देती है। उसी के बीच में स्टार प्लस पे एक नहीं, दो नहीं, तीन शो की आ गई है गुड न्यूज़। देखिए, एक होता है कि आपसे जितना टीआरपी मांगा है आपको उतना देना ही है, और आपका जब टाइम पीरियड पूरा होता है शो का, तो उस वक्त वो ये नहीं देखता कि आपके शो ने पिछली बार अच्छी टीआरपी दी थी या फिर बहुत अच्छी दी थी। जिस टाइम पे टाइम पीरियड होता है पूरा, उस टाइम पे उन्हें जितनी टीआरपी मांगी है उतना चाहिए। ऐसे में ऐसी कोई गुड न्यूज़ नहीं है कि आपका शो सेफ हो गया है या आपका शो खतरे में आ गया। टीआरपी को लेकर ही गुड न्यूज़ है। पांडे स्टोर, जो लास्ट वीक स्लॉट किंग नहीं था, वो इस हफ्ते स्लॉट किंग बना है, काफ़ी गुड न्यूज़ है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मेरा शो स्लॉट किंग बन गया है, वो सेफ हो गया क्या, तो डियर वो सेफ में नहीं है। जो है सुनने में आया था उस एक्सटेंशन मिला हुआ है, ऐसे में जितनी टीआरपी मांगा हुआ है उतना उसको देना ही होगा। अब बात करते हैं दूसरे शो की, उड़ने की आशा, जिसकी न्यूज़ काफ़ी वायरल थी कि ये ऑफ होगा और नेक्स्ट मंथ होगा। तो वो न्यूज़ कोई फेक नहीं है, वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि सोशल मीडिया के बड़े बड़ी साइट ने वो न्यूज़ दी है। अब बात आती है कि वो जो शो है आपका उड़ने की आशा, वो टॉप 5 में है, यानी कि आपका इस हफ्ते उड़ने की आशा ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है, और कह सकते हैं वो स्लॉट किंग है। मे भी अब वो टीआरपी अगर अच्छी दे दे तो इन फ्यूचर में जो हर साइट ने डाला हुआ है वो न्यूज़ गलत हो जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे बड़े शो की, वो है आपका इमली। इमली भले ही टॉप 5 में नहीं है, लेकिन इमली ने टीआरपी भी बढ़ाई है और इमली स्लॉट किंग भी बना है, जिसने तारक मेहता को इस हफ्ते बीट कर दिया है। ये इस हफ्ते की गुड न्यूज़ है इन शो के लिए। अगले हफ्ते इन शो की क्या न्यूज़ होगी, और जब इनका टाइम पीरियड पूरा होगा तब इनकी क्या न्यूज़ होगी, वो तब दी जाएगी। लेकिन फिलहाल इस हफ्ते इन तीन शो के स्टार प्लस पे जो है टीआरपी और स्लॉट किंग और टॉप 5 में एंट्री की गुड न्यूज़ है। तो ऐसे में ये इनमें से आपका फेवरेट शो कौन सा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।